दोस्तों, क्रिकेट का खेल जिसे जेंटलमैन का खेल भी कहा जाता है, इस खेल ने विश्व क्रिकेट को कई महान और प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने खेल के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की बदौलत दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई और साथ ही क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में राज भी किया। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हुए हैं जो बेहद ही प्रतिभावान होने के बावजूद अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से हमेशा के लिए अपनी पहचान खो बैठे और कभी याद भी किए गए तो केवल उनके गलत कारनामों की वजह से। आज की वीडियो में भी हम ऐसे ही एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने एक समय अपनी शानदार खेल और बेहतरीन कप्तानी की बदौलत अपनी टीम को विश्व की एलिट टीमों की सूची में डाल दिया था। लोग उनकी लीडरशिप की मिसालें दिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैंसी क्रोनिया के बारे में, जिनका नाम सुनते ही आज दिमाग में एक ही इमेज उभर कर आती है और वो इमेज है मैच फिक्सर की। लेकिन अगर हम उनकी इस छवि को थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दें तो हम पाएंगे कि वो सही मायनों में एक जबरदस्त क्रिकेटर थे जिनके रहते हुए उस दौर में साउथ अफ्रीकन टीम को हरा पाना किसी भी टीम के लिए सबसे चुनौती भरा काम था। तो चलिए समय के चक्र को थोड़ा रिवर्स करते हुए जानने की कोशिश करते हैं इस खिलाड़ी की जिंदगी और करियर की कहानी शुरुआत से। इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के ब्लोमफोंटेन नामक शहर से, जहां 25 सितंबर 1969 को एवी क्रोनिए और सैन मैरी क्रोनिए के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने उस बच्चे का नाम रखा वेसल जोहान्स क्रोनिए, जो बाद में चलकर हैंसी क्रोनिए के नाम से पहचाना गया। हैंसी क्रोनिए को स्कूल के दिनों से ही स्पोर्ट्स से लगाव हो गया था। वो उन दिनों स्कूल के क्रिकेट और रग्बी टीम के एक अहम सदस्य हुआ करते थे। आगे चलकर उन्होंने खेल के साथ साथ एजुकेशन की महत्व को भी ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्री स्टेट से कॉमर्स में अपनी बैचलर डिग्री भी हासिल की। हैंसी क्रोनिए के एक बड़े भाई भी है जिनका नाम फ्रांस क्रोनिए है और उन्होंने भी साउथ अफ्रीका की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है। वहीं उनके पिता एक क्रिकेटर होने के साथ साथ ऑरेंज फ्री स्टेट क्रिकेट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। स्कूल के दिनों में ही हैंसी क्रोनिए के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होने लगी थी। इस दौरान उन्होंने स्कूल लेवल पर अपनी स्कूल क्रिकेट और रग्बी टीम को बतौर कप्तान लीड भी किया था। हालांकि आगे चलकर उन्होंने रग्बी को छोड़ क्रिकेट में ही अपना करियर आगे बढ़ाने का फैसला किया। उनका तो बस अब एक ही लक्ष्य था और वो था साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम में अपनी जगह बनाना। इसीलिए उन्होंने अपना सारा फोकस क्रिकेट खेलने में लगा दिया और जमकर मेहनत करने लगे। उन्होंने इस दौरान बल्लेबाजी के साथ साथ अपनी गेंदबाजी पर भी काम करते हुए अपने आप को एक बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में तैयार किया। जल्द ही उनके टैलेंट को देखते हुए ऑरेंज फ्री स्टेट की फर्स्ट क्लास टीम ने क्रोनिए को अपनी टीम में चुन लिया और इस तरह जनवरी 1988 में 18 साल की उम्र में उन्होंने ट्रांसवाल के खिलाफ खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना कदम रखा। हालांकि शुरुआती फर्स्ट क्लास मैचों में क्रोनिए का प्रदर्शन औसत ही रहा था, लेकिन बाद के मैचों में क्रोनिए अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे। आगे चलकर उन्हें ऑरेंज फ्री स्टेट टीम का कप्तान भी बना दिया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट में किए गए उनके जबरदस्त प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए आखिरकार चयनकर्ताओं ने उन्हें साल 1992 के वर्ल्ड कप खेलने वाली साउथ अफ्रीकन टीम में भी जगह दे दी। इसी के साथ उनका साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का सपना भी पूरा हो गया था। अब तो बस उन्हें अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने लाना था। 26 फरवरी 1992 को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए क्रोनिए ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया, जहां उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला और गेंदबाजी में भी उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आगे के मैचों में भी क्रोनिए का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और साउथ अफ्रीका की टीम भी सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हारकर वर्ल्ड कप के रेस से बाहर हो गई। शुरुआती मैचों में खराब प्रदर्शन करने के बावजूद साउथ अफ्रीकन टीम के कप्तान केप्लर वेसल्स ने क्रोनिए पर भरोसा दिखाया और उन्हें टेस्ट टीम में भी जगह दी। हालांकि इसके बावजूद 18 अप्रैल 1992 को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में भी वो केवल 7 रन ही बना सके। लेकिन इसी साल दिसंबर में भारत के खिलाफ केपटाउन में खेले गए पहले ओडीआई मैच में क्रोनिए ने अपनी शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच का रुख ही पलट दिया था। उन्होंने इस मैच में पहले तो गेंदबाजी करते हुए 32 रन देकर 5 विकेट अपने खाते में डाले और भारत को
184 रनों के मामूली स्कोर पर ही रोक दिया। फिर बाद में जब टीम को 4 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत थी, तब क्रोनिया ने मनोज प्रभाकर की तीसरी ही गेंद पर छक्का जड़कर भारत की पकड़ से इस मैच को छीन लिया था। फिर इसी महीने भारत के खिलाफ ही पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए अपने तीसरे ही टेस्ट मैच में 135 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रोनिया ने एक बार फिर अपने कप्तान के भरोसे को कायम रखा। जल्द ही उन्होंने एक एग्रेसिव टॉप ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर टीम में अपनी जगह भी पक्की कर ली। खासकर स्पिन के खिलाफ उनका प्रदर्शन काफी जबरदस्त रहा था। उनका पसंदीदा शॉट था स्लॉग स्वीप, जिसका इस्तेमाल वो स्पिनर के खिलाफ तेजी से रन बनाने के लिए करते थे, जिनमें शेन वॉन और मुरलीधरन जैसे स्पिनर भी शामिल है। क्रोनिया एक हैंडी मीडियम पेसर भी थे, जो गेंद को बाउंस और स्विंग दोनों कराने की क्षमता रखते थे, जिसकी वजह से बल्लेबाजों के लिए उनको खेलना थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल हो जाता था। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी कई बार अपने इंटरव्यू में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल हैंसी क्रोनिया की गेंद को खेलना लगता था। सीजन 1993-94 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में खेले गए एक ट्राई नेशंस ओडीआई सीरीज के लिए क्रोनिया को टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही मैच में उन्होंने नाबाद 91 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर अपनी इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। फिर इसी सीजन के दौरान फरवरी 1994 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही जोहान्सबर्ग में खेले गए पहले ओडीआई मैच में 112 रनों की एक और बेहतरीन मैच विनिंग पारी खेलकर उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में अपना पहला शतक भी बना दिया। आगे चलकर उन्हें साउथ अफ्रीकन टीम की कप्तानी भी मिल गई। इसी के साथ वो कप्तानी की बागडोर संभालने वाले साउथ अफ्रीका के यंगेस्ट कैप्टन भी बन गए थे। उन्होंने अपनी कप्तानी में अपने प्लेयर्स के लिए काफी हाई स्टैंडर्ड सेट किए थे, पर्टिकुलरली इन टर्म ऑफ फिटनेस। उनकी लीडरशिप में ही साउथ अफ्रीकन टीम विश्व की सबसे एथलेटिक क्रिकेट टीम और सर्वश्रेष्ठ फील्डिंग यूनिट की तौर पर उभरकर दुनिया के सामने आई। साल 1996 के वर्ल्ड कप में भी क्रोनिया ने अपनी बेहतरीन ऑलराउंड खेल से टीम को वर्ल्ड कप के प्रबल दावेदारों में शामिल कर दिया था, लेकिन ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद उनकी टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 11 रनों से हार कर इस वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। साल 1999 के वर्ल्ड कप में तो क्रोनिया की लीडरशिप में साउथ अफ्रीकन टीम और भी खतरनाक और मजबूत टीम के रूप में नजर आई। उनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका की टीम ने इस टूर्नामेंट में एक वर्ल्ड चैंपियन की तरह परफॉर्म किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उनका मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन इस बार भी बेहद ही करीबी और रोमांचक मुकाबले में एक बार फिर साउथ अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद साउथ अफ्रीकन टीम पर चौकर्स का टैग लग गया था, जिससे वो आज तक उभर नहीं पाई है। इसी वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मुकाबले में वो कान में ईयर पीस लगाकर ग्राउंड पर उतरे थे और इसके जरिए लगातार कोच बॉब बुलमर के साथ ग्राउंड में स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे थे, जिसे सौरभ गांगुली ने भांप लिया था और इसकी शिकायत अंपायर से कर दी थी, जिसके बाद मैच रेफरी तलत अली ने इस खेल की गरिमा को भंग करने के लिए क्रोनिया को फटकार लगाई थी और उनके ईयर पीस उतरवा लिए थे। क्रोनिया की इस हरकत के लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। फिर आया साल 2000, जो क्रोनिया के लिए बेहद ही बुरी खबर लेकर आया। दरअसल अप्रैल 2000 में दिल्ली पुलिस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने क्लेम किया कि उस टेप में हैंसी क्रोनिया संजय चावला नाम के किसी सट्टेबाज से मैच फिक्सिंग करने के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन क्रोनिया ने दिल्ली पुलिस के इस आरोप को बेबुनियाद करार दिया और क्रोनिया के रेपुटेशन को देखते हुए शुरुआत में उनसे ज्यादा सवाल भी नहीं किए गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्रोनिया ने उस समय के साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे अली बाकर को फोन करके बताया कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने दिल्ली पुलिस को सब सच नहीं बताया है, जिसके बाद क्रोनिया को तुरंत टीम से सस्पेंड कर दिया गया था। बाद में उन पर किंग कमीशन की इंक्वायरी भी बैठी, जहां क्रोनिया ने पैसे लेकर मैच के बारे में जानकारी लीक करने की बात एक्सेप्ट की, जिसके बाद क्रोनिया के क्रिकेट खेलने पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। हालांकि साल 2001 में उन्होंने अपने ऊपर लगे लाइफ टाइम बैन के खिलाफ अपील भी की, पर उनकी इस अपील को खारिज कर दिया गया। लाइफ बैन लगने के कुछ साल बाद ही जून 2002 में हैंसी क्रोनिया की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। ऐसा कहा जाता है कि पायलट की विजिबिलिटी लॉस होने की वजह से उनका प्लेन आउटेनिका माउंटेन से टकरा गया था, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जिस प्लेन में क्रोनिया सफर कर रहे थे उसमें वो एकलौते पैसेंजर थे
और उनका यह भी मानना है कि क्रिकेट बैटिंग सिंडिकेट द्वारा क्रोनिए की हत्या करवाई गई है ताकि जो राज क्रोनिए जानते थे वो पब्लिक में ना आ पाए। बहरहाल जो भी हो, इस हादसे की वजह से वर्ल्ड क्रिकेट ने एक बेहतरीन लीडर और क्रिकेटर हमेशा के लिए खो दिया था। हेंसी क्रोनिए एक ऐसे कप्तान थे जिन्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर रिस्क लेना पसंद था। इसका एक बेहद ही शानदार उदाहरण है जनवरी 2000 में खेला गया सेंचुरियन टेस्ट, जो कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था। यह 5 मैचों की टेस्ट सीरीज थी जिसमें साउथ अफ्रीका 4 में से 2 टेस्ट जीतकर सीरीज में बढ़त बनाए हुए थी। इस दौरान उन्होंने लगातार 14 टेस्ट मैचों में अनबीटन रहने का कारनामा भी कर दिखाया था। लेकिन 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन जब साउथ अफ्रीका 6 विकेट पर 155 रन बनाकर खेल रही थी, तब जोरदार बारिश शुरू हो गई। पर जब दूसरे, तीसरे और चौथे दिन का खेल भी बारिश की भेंट चढ़ गया, तब ये लगभग तय हो गया कि अब इस मैच का नतीजा किसी भी हाल में नहीं निकलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हेंसी क्रोनिए का प्लान कुछ और ही था। उन्होंने जाकर इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन से बात की और उनके सामने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम अपनी एक एक पारी फॉरफिट कर दे, मतलब खेले ही ना, ताकि इस मैच का रिजल्ट निकल सके। नासिर हुसैन को भी हेंसी क्रोनिए की बातों में दम लगा और उन्होंने उनकी ये बात मान ली। साउथ अफ्रीका ने आगे खेलते हुए अपनी पहली पारी 248 के स्कोर पर डिक्लेयर कर दी। फिर उसके बाद इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी और साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी फॉरफिट कर दी। इस तरह इंग्लैंड को यह टेस्ट जीतने के लिए 249 रनों का टारगेट मिला, जिसे अंत में इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराकर इस टेस्ट का नतीजा तय किया। बेशक साउथ अफ्रीका यह मैच हार गया, लेकिन हेंसी क्रोनिए द्वारा लिए गए इस साहसिक फैसले की सभी ने खूब सराहना की। हालांकि बाद में यह भी खुलासा हुआ था कि क्रोनिए ने इस मैच का रिजल्ट निकालने के एवज में किसी बुकी से अच्छे खासे पैसे लिए थे। कहा जाता है कि उन दोनों के बीच एक डील हुई थी और वो डील यह थी, मैच चाहे कोई भी जीते, बस ये मैच ड्रॉ पर खत्म नहीं होना चाहिए। अगर हम इन सब बातों को दरकिनार कर दे तो हम पाएंगे कि क्रोनिए वाकई में एक चालाक लीडर और शानदार क्रिकेटर थे। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान 53 टेस्ट मैचों में साउथ अफ्रीकन टीम की कप्तानी की है, जिनमें उन्हें 27 में जीत और 11 में हार मिली है। उन्होंने इस दौरान ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी टेस्ट टीमों के खिलाफ सीरीज विक्ट्री भी दर्ज की है। टेस्ट क्रिकेट की तुलना में उनका ओडीआई रिकॉर्ड तो और भी ज्यादा बेहतर है। उनकी लीडरशिप में साउथ अफ्रीका ने 138 ओडीआई मैचों में 99 मैचों में जीत हासिल की है और केवल 35 मुकाबलों में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ये तो हो गई लीडरशिप की बात। अगर हम उनके ओवरऑल करियर स्टेटस पर एक नजर डालते हैं तो हम पाएंगे कि उन्होंने 68 टेस्ट मैचों में 36.41 की एवरेज से 6 शतक और 23 अर्धशतकों के साथ 3,714 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाईएस्ट स्कोर 135 रन है। वहीं 188 ओडीआई मैचों में 38.64 की एवरेज से 2 शतकों और 39 अर्धशतकों के साथ उन्होंने 5,565 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 112 रन है। इसके अलावा उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 43 और ओडीआई क्रिकेट में 114 विकेट भी दर्ज है, जो ये दर्शाता है कि वो कितने काबिल खिलाड़ी थे। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1995 में अपनी गर्लफ्रेंड रही वर्था हैंस से शादी की थी, जिनसे उन्हें कोई भी बच्चा नहीं है। साल 2008 में हेंसी क्रोनिए की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म भी रिलीज हुई थी जिसका नाम हेंसी रखा गया था, जिसे उनके भाई फ्रांस क्रोनिए ने ही लिखा और प्रोड्यूस किया था। एक बात तो तय है, अगर हेंसी पैसे के लालच में ना पड़कर केवल अपने खेल पर ध्यान देते तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आज एक बेहतरीन मुकाम पर होते, जहां उन्हें दौलत, शोहरत और इज्जत तीनों की कमी नहीं होती और साथ ही उनका नाम इतिहास के पन्नों में एक शानदार लीडर और क्रिकेटर के रूप में दर्ज किया जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस शानदार क्रिकेटर ने अपने सुनहरे भविष्य को ताक में रखते हुए केवल कुछ चंद पैसों के लिए ना केवल अपना करियर बर्बाद किया बल्कि जिंदगी से भी हाथ धो बैठे। तो दोस्तों, ये तो थी साउथ अफ्रीका के जाने माने क्रिकेटर हेंसी क्रोनिए की जिंदगी और करियर से जुड़ी एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।